गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर के पिछले वीडियो पार्ट में हम सभी लोगों ने टू ऐड एडवर्ब टू के विषय में अध्ययन किया था। आशा है कि आप लोगों ने उस वीडियो के विषय में अध्ययन करके उसे पढ़कर और समझ करके अपने टेक्स्ट बुक में दिए गए एक्सरसाइज को हल करने का प्रयास किया होगा। वैसे आप लोगों के समझने के लिए हमने उस वीडियो से संबंधित कुछ एक्सरसाइज हल करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को भेजा था। आशा है कि आप उस वीडियो और व्हाट्सएप मैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे और पढ़ करके उसे अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। आज हम उसी ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर के पार्ट थर्ड के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब हुआ कि हम किसी भी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में आपस में परिवर्तन कर सकते हैं। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम सर्वप्रथम असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इस असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने से पहले यह आवश्यक है कि हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि असर्टिव सेंटेंस का मतलब और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों, असर्टिव सेंटेंस उस वाक्य को कहते हैं, उस सेंटेंस को कहते हैं ऐसा वाक्य जिसमें किसी कथन के विषय में जानकारी प्रदान की गई हो, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के माध्यम से हम प्रश्न पूछते हैं, ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब किसी भी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करना होता है तो सर्वप्रथम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दिए गए असर्टिव सेंटेंस में प्रयुक्त सहायक क्रिया ईच एंड आर वाज वेयर इत्यादि सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं। बच्चों, असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। इसलिए जब किसी भी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं तो हम उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उस असर्टिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, हम इस बात को इस एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जैसे
इंडिया इज ए गुड स्टूडेंट, रिया एक अच्छी छात्र है। दिस सेंटेंस इज एन असर्टिव सेंटेंस। द टाइप ऑफ दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव। इसलिए जब इस असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं तो सर्वप्रथम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत इस असर्टिव सेंटेंस में लिखे गए सहायक क्रिया इससे प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्य में सर्वप्रथम सहायक क्रिया लिखने के पश्चात वाक्य में लिखा गया सब्जेक्ट प्रयुक्त किया जाता है। हो जाएगा इज रिया। नियम है, यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो निगेटिव सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने पर वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। हो जाएगा Is Riya not a good student? स्कूल स्टाफ मार्क को हटा करके वाक्य के अंत में इंट्रोगेशन मार्क भी कर देते हैं। इसी तरह से हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी समझने का प्रयास करेंगे। द टीचर इज not present today, आज अध्यापक जी उपस्थित नहीं है। This sentence is also an assertive sentence. The teacher is not present today. But इस assertive sentence का जो type है टाइप है असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों असर्टिव सेंटेंस में चाहे अफर्मेटिव हो या निगेटिव सेंटेंस हो हमें पहले नियम को फॉलो करना होगा। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सर्वप्रथम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत वाक्य में लिखे गए इसी सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं। लिखा जाएगा इज, फिर सब्जेक्ट the teacher, that negative sentence interrogative में बदलेंगे affirmative हो जाएगा। इसलिए negative शब्द not को क्या कर देंगे remove कर देंगे हटा देंगे। is the teacher मुझे today और स्कूल स्टाफ मार्क बताकर बाकी अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। लिखा है द टीचर इज नॉट प्रेजेंट टुडे, अध्यापक आज उपस्थित नहीं है। इसको जब प्रश्न रूप में पूछेंगे तो सेम सेंस बनाने के लिए कहा जाएगा इज द टीचर प्रेजेंट टुडे, क्या अध्यापक आज उपस्थित हैं। तो लिखा जाएगा कि वह अध्यापक आज उपस्थित नहीं है। बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, दैट इज असर्टिव सेंटेंस। द टाइप ऑफ दिस असर्टिव सेंटेंस इज अफर्मेटिव। देयरफॉर व्हेन वी ट्रांसफॉर्म दिस असर्टिव सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत असर्टिव सेंटेंस में लिखे गए सहायक क्रिया नाम से करेंगे। Are the boys, because this is an affirmative sentence, इसलिए interrogative sentence में परिवर्तन करते समय हम इसे negative sentence में बना देंगे। लिखा रहेगा Are the boys not playing hockey?
बच्चे हॉकी नहीं खेल रहे हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा कि बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। इसी तरह से हम एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे। द फार्मर्स वेयर नॉट डूइंग हार्ड वर्क इन देयर फील्ड्स। किसान अपने खेतों में परिश्रम नहीं कर रहे थे। दैट इज आल्सो एन असर्टिव सेंटेंस, बट हियर वी विल नोटिस दैट इन दिस असर्टिव सेंटेंस देयर इज यूज ऑफ व्हाट नेगेटिव सेंटेंस नॉट, देयरफॉर द टाइप ऑफ दिस असर्टिव सेंटेंस इज नेगेटिव। इसलिए जब इस असर्टिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करेंगे, सभी नियमों की फॉलो होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत वाक्य में लिखे गए सहायक क्रिया से करेंगे। सबसे पहले लिखा जाएगा वेयर सब्जेक्ट द फार्मर्स नॉट लिखा है, जैसे बताया गया निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इंट्रोगेटिव में परिवर्तन करने पर अफर्मेटिव हो जाएगा, इसलिए निगेटिव शब्द नॉट को रिमूव कर देते हैं। वेयर द फार्मर्स डूइंग हार्ड वर्क इन देयर फील्ड्स, को हटाकर उसके स्थान पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वेयर द फार्मर्स डूइंग हार्ड वर्क इन देयर फील्ड्स, क्या किसान अपने खेतों में परिश्रम कर रहे थे, इसका उत्तर मिला निगेटिव में, किसान अपने खेतों में परिश्रम नहीं कर रहे थे। बच्चों असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करने का जो रूल नंबर थर्ड है वो यही है कि जब किसी भी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं तो असर्टिव सेंटेंस में प्रयुक्त फुल स्टॉप चिन्ह के स्थान पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में इंट्रोगेशन मार्क क्लिक करते हैं। जैसा कि हमने अभी तक के सारे उदाहरणों में इस बात को समझाया है, रूल नंबर 4 कभी कभी दिए गए असर्टिव सेंटेंसेज में लिखा गया सब्जेक्ट एवरीबडी, कभी कभी दिए गए असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबडी लिखा रहता है या नोबडी लिखा रहता है, नोवन लिखा रहता है या नन लिखा रहता है। एवरीबडी, नोबडी, नो वन या नन, इस तरह के सब्जेक्ट प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार के असर्टिव सेंटेंस को जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम असर्टिव सेंटेंस में लिखे गए सब्जेक्ट एवरीबडी, नोबडी, नो वन अथवा नन के स्थान पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट रूप से करते हैं, जिसे
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हू से कहते हैं, जैसे इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एवरीबॉडी नोज सरदार वल्लभ भाई पटेल। हर कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानता है। दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस। द फॉर्मेशन टाइप ऑफ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव। The subject used in this sentence is everybody। जैसा कि हमने नियम में कहा, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबडी हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम एवरीबडी के स्थान पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग करते हैं और इसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु से उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत भी करते हैं। तो हम लिखेंगे एवरीबडी के स्थान पर हु। इस वाक्य में लिखा गया वर्ब के एन ओ डब्ल्यू एस नोज, इसमें यस जोड़ा गया है जो यह प्रदर्शित करते हैं कि वर्ब में प्रीफिक्स टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। क्योंकि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए इंट्रोगेटिव में बदलने पर निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा और निगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डू अथवा डज के साथ नाउन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए हम यहाँ पर सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे और निगेटिव सेंटेंस बनाने के डज के पश्चात नॉट शब्द भी प्रयोग करेंगे। हो जाएगा हु डज नॉट। जब दिया गया इसके दोष में प्रीवियस को हटा देंगे, हो जाएगा हु डज नॉट नो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता है, इसका उत्तर मिलेगा हर कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानता है। तो एवरीबॉडी बच्चों, जिस किसी भी असर्टिव सेंटेंस में लिखा जाता है प्रायः वह असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में भी होता है, कभी कभी निगेटिव में भी लिखा जा सकता है। लेकिन यदि एवरीबॉडी के स्थान पर हम नोबडी नन अथवा नो वन का प्रयोग करें तो दिए गए असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से होगा। नोबडी हैज सीन द विंड, किसी ने भी हवा को देखा नहीं है। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो एन असर्टिव सेंटेंस बट द सब्जेक्ट यूज्ड इन दिस असर्टिव सेंटेंस नोबडी इज एन इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सब्जेक्ट नोबडी। इसलिए यह असर्टिव सेंटेंस एक निगेटिव सेंटेंस हुआ। इसलिए इस असर्टिव सेंटेंस को जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करेंगे तो नोबडी के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हु का। हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है। सभी लोग जानते हैं
हवा को किसी ने भी देखा नहीं है, उसका नोबडी है सीन द विंड। ध्यान देना है, यदि एवरीबडी रहेगा, वाक्य अफर्मेटिव रहेगा, तो सहायक क्रिया के साथ हम ना शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि नोबडी रहेगा या एवरीबडी के साथ सहायक क्रिया के साथ नात्विक रहेगा, तो हम केवल हु लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे और वर्ब लिखेंगे, उसमें निगेटिव शब्द नात का प्रयोग नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह हुआ, यदि एवरीबडी या नोबडी से संबंधित असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा, नोबडी तो अफर्मेटिव होगा नहीं, यदि एवरीबडी से संबंधित अफर्मेटिव में होगा तो इंट्रोगेटिव में निगेटिव, और अगर निगेटिव होगा तो अफर्मेटिव, और अगर नोबडी है तो हम उसे हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में ही बदलेंगे। इस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। एक लास्ट नियम, रूल नंबर 5, जरा कभी कभी दिए गए असर्टिव सेंटेंस में प्रायः उनमें लिखे गए सब्जेक्ट या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं या तो उनमें समय इत्यादि के विषय में उल्लेख किया गया होता है। जब हम इस प्रकार के असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हुआ when अथवा why जैसे प्रश्न सूचक शब्दों से किया जाता है। प्रायः हम देखते हैं कभी कभी दिए गए असर्टिव सेंटेंस में इट इज नोट, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, अथवा कभी कभी दिए गए वाक्य में टाइम के विषय में उल्लेख किया गया होता है। यदि वह असर्टिव सेंटेंस इट इज नॉट गुड से प्रारंभ हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य की शुरुआत वाक्य शब्द से कहते हैं। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश लिखा हो तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाई से कहते हैं। यदि दिए गए असर्टिव सेंटेंस में समय के विषय में उल्लेख किया गया हो तो हम दिए गए असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत वेन से करते हैं। हम इनका भी एक एक उदाहरण लेकर के इस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा गया है, एग्जाम्पल नंबर 1, इट इज नो गुड टू वेस्ट आवर वैल्यूएबल टाइम, अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद करना कोई अच्छी बात नहीं है। That is an assertive sentence. It is not good to waste our valuable time. इस वाक्य में एक शब्द नो लिखा गया है। Therefore, this assertive sentence is a negative sentence. इस प्रकार के वाक्य का जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करते हैं, इट इज यहाँ पे लिखा गया है, बताया गया है, यदि वाक्य की शुरुआत इट इज से हो या इट से हो तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक सबसे किया जाता है। सबसे पहले के लिए वाक, यहाँ पर एक एडजेक्टिव लिखा गया है, वाक के पश्चात एडजेक्टिव लिख दिया जाएगा, वाक गुड, वाक गुड, तत्पश्चात सहायक क्रिया लिखा जाता है इज इट, वाक गुड इज इट
वेस्ट आवर व्हाइल ही वुड डाइंग। अर्थात हमें अपने बहुमूल्य समय को नष्ट करने में क्या अच्छाई है, अर्थात अपने बहुमूल्य समय को नष्ट करना कोई अच्छाई नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। दैट वाज अ नेगेटिव सेंटेंस। जब हमने इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल गया तो यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। व्हाट गुड इज इट टू वेस्ट आवर वैल्यूएबल टाइम। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखेंगे। It is extremely foolish to waste time in playing cards. It is extremely foolish. बच्चों इसी एक्सट्रीमली फुलिश शब्द को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वाइफ के रूप में बदल कर फिट करेंगे, हो जाएगा वाई। ये जो वर्ब लिखा गया है, ये वर्ब ये जो इन्फिनिटिव लिखा गया टू प्लस वर्ब, इस इन्फिनिटिव को हटाकर ये क्वेस्ट शब्द को क्या बना देंगे, वर्ब बना देंगे। वाई वेस्ट time in playing cards. Why waste time in playing cards? अर्थात ताश खेलते हुए हमें अपना समय बर्बाद क्यों करना चाहिए। लिखा गया उसी को, It is extremely foolish to waste time in playing cards. अर्थात ताश खेलते हुए अपने समय को बर्बाद करना बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। अर्थात हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, अर्थात हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। एक और एग्जांपल है समय के विषय में। Their popularity can never fade. उनकी लोकप्रियता कभी भी धूमिल नहीं हो सकती, कभी भी कम नहीं हो सकती। Their popularity can never fade. यहाँ पर बच्चों ने एक शब्द प्रयुक्त किया गया नेवर। यह नेवर शब्द समय से संबंधित है, समय का बोध कराता है, समय के विषय में कह रहा है। इसलिए ऐसे असर्टिव सेंटेंस को जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो क्योंकि यह असर्टिव सेंटेंस में लिखा गया शब्द नेवर जो समय के विषय में उल्लेख कर रहा है, बोध करा रहा है, यह एक निगेटिव शब्द है, इसलिए लिखा गया असर्टिव सेंटेंस का टाइप क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। इसलिए जब इस निगेटिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करेंगे, वाक्य में लिखा गया सहायक क्रिया कैन है, हम इसका परिवर्तन दो तरह से कर सकते हैं। वाई वाले से देख लेंगे क्योंकि समय कब देख लिया पहले हो जाएगा वेन कैन
अर्थात उनकी लोकप्रियता कब कम हो सकती है, कब धूमिल हो सकती है, कब दागदार हो सकती है। तो लिखा गया है कभी भी दागदार नहीं हो सकती, कभी भी धूमिल नहीं हो सकती, कभी भी कम नहीं हो सकती है। बच्चों हम इस सेंटेंस को सहायक क्रिया के माध्यम से प्रारंभ करके भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। कैन देयर पॉपुलैरिटी, नेवर शब्द है निगेटिव, क्योंकि यह अफर्मेटिव बदल जाएगा, इसलिए नेवर के स्थान पर रहेगा इवर। कैन देयर पॉपुलैरिटी इवर फेल, क्या उनकी लोकप्रियता कभी धूमिल हो सकती है। लिखा है उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हो सकती, कभी धूमिल नहीं हो सकती है। प्यारे बच्चों इन सभी नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़ करके हम सभी अपनी नोट अपने टेक्स्ट बुक में दिए गए एक्सरसाइज को हल करने का प्रयास करेंगे।